2015 में फेल किया, 2016 के लिए एम किया, 2016 में भी फेल किया, और हर बार कटअप से 2 नंबर कम ही आए मार्क्स मेरे। जनरली कोई इंसान होता तो वो हार जाता, क्योंकि इम्प्रूवमेंट 0 था। 2015 में भी डिस्क्वालीफाई था, 2016 में भी डिस्क्वालीफाइड था, क्वालिफाई नहीं किया मैंने, तो उस समय कोई भी हार जाता। अब बात है 2017 की, जिसमें होना था, जिसमें हुआ। उस पूरे साल में बहुत कूलेंट काम रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं स्टूडेंट अच्छा नहीं हूँ, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, अपनी सच्चाई को जान लिया मैंने। 2016 मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मैं उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ जितना मैं खुद को समझता था। 2016 तक मैं अपने आप को बहुत अच्छा स्टूडेंट समझ रहा था कि मैं बहुत ब्रिलियंट लड़का हूँ, बहुत अच्छे पढ़ने में तेज हूँ मैं, और मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। 16 में जब फेल किया मैंने दोबारा ना, और दोबारा भी मेरे जब कटअप से मार्क्स कम आए, तो मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मैं अपने आप को जो तूफ़ान समझ रहा हूँ, मैं तूफ़ान हूँ नहीं, वो झूठ है, छलावा है। अब अपने आप पे करना पड़ेगा काम, अपने आप पे करना पड़ेगा मेहनत, और काम और मेहनत करके ही अब इस डिस्क्वालीफाई को क्वालिफाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मुझे क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए थी, गेट क्वालिफाई करके क्या कर लोगे अगर पीएसयू में नहीं होता है आपका, तो मेन तो मैटर करता है कि जॉब होनी चाहिए ना। तो मुझे ये था कि मुझे इस 28 मार्क्स को ना 80 मार्क्स में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगा। 16 के रिजल्ट के दिन ही मैंने प्रण लिया कि मुझे चाहे जो बदलाव करने पड़े मुझे अपनी ज़िंदगी में, चाहे मुझे एफर्ट करना पड़े, जितना एफर्ट करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन इस 28 मार्क्स को ना 80 प्लस मार्क्स में कन्वर्ट करना है, तभी कोई पीएचयू मुझे नौकरी देगा। और अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो मेरी हालत इतनी बदतर थी कि मैं तबाह ही था, मतलब बर्बाद ही था मैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने कर्ज में था कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। और छोटा मोटा कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करने जाएगा मैकेनिकल इंजीनियर तो 10-12-15 हज़ार से अधिक मिलता नहीं, तो इतने पैसे में वो खुद का एक्सपेंस मैनेज करेगा या इतने 5-6-7 लाख का कर चुकाएगा वो। तो मतलब ओवरऑल देखो तो सिचुएशन पूरी डू और डाई की थी, लेकिन एज मेरी बस मात्र 23-24 साल की थी, तो डाई तो कर सकते नहीं, तो डू ही करना था, तो लग गए डू करने, लगा दिया पूरा एड़ी चोटी का सबका जोड़ लगा दिया, पूरा दम लगा दिया कि ये लास्ट है, इस साल गया मैं तो मैं पूरा गया, और मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार गया, क्योंकि मेरी पूरी मैं बता चुका आपको, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि मेरी पूरी फैमिली की जो गांव की ज़मीन थी, अब बाकी बैंक से लोन वगैरह जो हमने लिया था अपनी पढ़ाई के लिए, वो सारा बाकी था, और सब मुझे पे करना था वो, कि मेरी नौकरी होगी तो मैं पे करूँगा, और जब मेरी नौकरी ही नहीं हो रही है तो सारी चीज़ें मेरे घर वालों पर पड़ेंगी, अब वो उसको बेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अमाउंट 7-8 लाख के आसपास जा रहा था, उसको बेयर करना आसान नहीं था। उसको तभी बेयर कर सकता है इंसान जब उसकी सैलरी अच्छी नौकरी कहीं कंपनी में लग जाए, उसको मंथली 60-70 हज़ार मिलना शुरू हो जाए, तो वो एक एक करके धीरे धीरे चुकाना शुरू कर देगा सारा कर्ज। तो वो चीज़ें ऐसी थी, अब उसको ठीक करने के लिए 2017 में पूरा जोर लगा के लग गया कि इस साल तो इस 28 मार्क्स को उठा के 85 प्लस या 80 प्लस पहुंचाना ही है, ताकि सारे पीएसयू जो मुझे आज तक नहीं मिल रहे, जिसके लिए मैं बैठ के सोच रहा हूँ दिन भर ना कि काश मेरा इस पीएसयू में हो जाए, काश मेरा इस पीएसयू में हो जाए, वो पीएसयू मुझे सामने से बुलाने को आए कि भाई चलो मेरे यहाँ नौकरी कर दो। इतना गुस्सा आता था अंदर से ना, कि ऐसा फील होता था कि एक दिन ऐसा लेके आएंगे कि ये पीएसयू मुझे सामने से बुलाएंगे तो मैं मना करके दूंगा कि तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना मुझे। अंदर इतना गुस्सा था इस चीज का कि सामने से कोई पीएसयू फोन करके बुलाएगी भी ना तो उसको मना कर दूंगा, मुझे तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना, मुझे उससे बड़ी नौकरी मिल गई है। उस चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे और लगा हुआ था उस चीज पे, और वो चीज सच हुआ। 2016 का वो 28 मार्क्स, 2017 में वही चीज 86.39 मार्क्स बना था। उस एक साल में ही इतना बड़ा बदलाव हुआ था कि 28 मार्क्स लाने वाला लड़का जो डिस्क्वालीफाई था वो अचानक 86.39 मार्क्स लेके आया गेट के अंदर, और रैंक टॉप 100 के अंदर डायरेक्ट, जिसका रैंक थाउजेंड्स में आ रहा था वो अचानक आके घुस गया 100 के अंदर। वो बस एक साल का बदलाव था। तो जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बस मैं एक ही विनती करना चाहता हूँ कि आप लगे रहना, लगे रहोगे तो हो जाएगा, अगर हट गए ना तो चांसेस है कि आप खो दोगे। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, आपके अपने ऊपर पोटेंशियल पे यकीन है कि आप कर सकते हो, और आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं हो रही है पढ़ने में,
तो बिल्कुल आप लगे रहना, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो मेरे जैसा स्टूडेंट, जिसको मैंने बताया आपको कि मैं 8 9th में फेल कर चुका हूँ, मैं उसके बाद भी मेरी एकेडमिक जर्नी इतनी अच्छी नहीं रही है, मैं इतना पढ़ने में तेज नहीं था, उसके बाद भी मेरे जिद ने मुझे बना दिया। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ना टैलेंट होता है, ब्रिलियंसी होती है उनके पास, बहुत सारा कुछ उनके पास होता है पढ़ने की, मतलब दिमाग से तेज होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई शुरू से स्ट्रांग रहा है, बट मैं उन चीज़ों पे नहीं था। मैं जो भी कर पाया वो पूरा हार्डवर्क पे था और जिद पे था। तो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मेरा जिद था कि मुझे बनना है, और उस जिद ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, और कुछ नहीं था मेरे पास इसके अलावा। मैं आज भी उतना ही एवरेज स्टूडेंट हूँ जितना पहले था, बस जिद थी कि ये पाना है तो ये पाना है, और जिद अगर आपके अंदर है तो आपको भी मिल जाएगी। बात बहुत सिंपल सी है, छोटी सी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप जो गेट का एग्ज़ाम होने वाला है फेब में, उसमें आप अपना ईडी चूटी का जोर लगा दोगे, और लगा के जो मार्च में रिजल्ट आएगा ना उसका, तो सारे आप जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जितने लोग मैं कमेंट रोज़ देखता हूँ, जितने लोग मुझे इंटरेक्ट होते हैं यूट्यूब पर रोज, मैं उम्मीद करूँगा उन सबका रैंक मुझे देखने को मिले टॉप चार्ट्स में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सच में मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं किसी बच्चे को जमीन से उठकर आसमान तक जाते देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी जर्नी है, क्योंकि मैंने खुद को देखा वहाँ से वहाँ तक आने में ना। तो लोगों को मैं जब देखता हूँ कि एक गरीब लड़का जिसके बहुत दिक्कत है फैमिली में, परिवार में बहुत दिक्कत है, उसके बाद भी वो इतने बड़े सपने देख रहा है और पढ़ने चाह रहा है और बन रहा है ज़िंदगी में जाके, और जब वो बन जाता है ना, मुझे खुशी मिलती है। पर्सनली मुझे बहुत खुशी मिलती है किसी बच्चे को बनते हुए देखकर। इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियली वगैरह, मुझे उनको देखकर बहुत खुशी मिलती है जिनकी लाइफ में बहुत दिक्कत है, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में है, उसके बाद भी वो इतने बड़े मुकाम पर पहुँच गए, तो मैं उनको देख के बहुत मोटिवेट होता हूँ, बहुत देख कर उनको। तो आई होप कि आप लोग मुझे इस साल मोटिवेट करें, मैं आपकी जर्नी देखकर मोटिवेट होना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपने देखा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कभी।